बीजेपी नेता का AIMIM प्रमुख ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब। सांप्रदायिक की बात करने वाले ओवैसी को यूपी से खदेड़ दिया जाएगा। अनाप शनाप बयानबाजी करने वाले ओवैसी की जुबान काटने की दी चेतावनी। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश चल रहा खुशहाली की ओर। यूपी में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों को योगी सरकार सिखा रही सबक। यूपी में हिंदू मुस्लिम करने वालों की नहीं गलेगी दाल। 2022 के चुनाव में सीएम योगी दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता कपिल सिंघल ने ओवैसी को दी खुली चुनौती। संभल सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। हाल ही में अभी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने CNRC को वापस नहीं लेने पर शाहीन बाग बनाने की बात कही थी यूपी को। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर? मैं बता दूं, ये ओवैसी साहब अपनी जवान पर लगाम दें। हमारे प्रदेश की सरकार और देश की सरकार शांत प्रिय से चल रही है। इनके ऐसे बयानबाजी से ना तो इनको प्रदेश में घुसने दिया जाएगा, और ज्यादा अगर बयानबाजी सांप्रदायिकता की बात करेंगे तो इनकी जवान काट दी जाएगी। ऐसे लोग क्या मानते हैं लगातार, जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से नेता लोग अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं इसको लेकर? क्या पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं या लोगों का वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं लोग? असल में क्या है, जो अन्य पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के बहुमत को देख कर बौखला गई हैं, तो ये हमारे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हमारी सरकार जबकि ना ही कोई हिंदू मुस्लिम की, ना ही जातिवाद की, केवल और केवल विकास की बात करती है, और विकास के मुद्दों को लेकर हमारी पूर्ण बहुमत के साथ पुनः सरकार बन रही है और हमारे योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनना है 2022 में। खुद योगी जी ने अभी कहा था, बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ओवैसी जो है सपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये ओवैसी साहब जो है इनको समाजवादी जो प्रोत्साहन दे रही है, समाजवादी इनको फाइनेंस कर रही है, इसके लिए ये समाजवादी के एजेंडों को लेकर यहाँ हमारे प्रदेश में सांप्रदायिक की बातें करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है आपस में लड़ाना चाहते हैं। हमारी सरकार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हमारी सरकार में ना ही कोई बलवा हुआ है, ना ही कोई किसी प्रकार का बदमाशों के द्वारा अत्याचार हुआ है, और हमारी माताएं बहनें इस प्रदेश में सब सुरक्षित हैं। हमारी सरकार ने केवल विकास की बात की है। तो क्या मानते हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं अभी ये दूसरे प्रदेशों तो आकर हमारे प्रदेश में उल्टी सीधी राजनीति कर रहे हैं, लोगों के उतारने चढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये दूसरी पार्टियों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। इनके जो ओवैसी साहब हैं इनसे बता दीजिए आप अपने चैनल के माध्यम से, अगर ऐसी बयानबाजी करेंगे सांप्रदायिक की, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तो इनकी जवान काट दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।